नमस्कार। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप एक टीचर हैं तो किस तरह से आप बच्चों के फेवरेट टीचर बन सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको पता है, या आपके घर में बच्चे होंगे, अगल बगल में बच्चे हैं, जनरली वो बात करते हैं, आपके घर में आपके सिस्टर्स होंगे, ब्रदर्स होंगे, या आपके खुद के बच्चे होंगे तो आपसे बातें करते हैं कि ये स्कूल में ये मैम और ये सर जो है हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, या वो मेरे फेवरेट हैं। क्या कभी आपने उनसे रीज़न जाना? क्या कभी आपने उनसे पूछा कि आखिर वो टीचर आपके फेवरेट टीचर क्यों हैं? आप टीचर हैं इसलिए आपका ये जानना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि क्या टिप्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपको फेवरेट बना सकते हैं स्कूल में स्टूडेंट के बीच में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं टिप्स की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसे क्लिक करना यानी टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि टीचिंग जो है, या हम कहें टीचिंग एक्ट्स जो होते हैं, पढ़ाने की जो कला होती है, पढ़ाने की जो तकनीकी होती है, पढ़ाने के साथ साथ में शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं एक टीचर के लिए। और आपको पता है कि पढ़ाने की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, पढ़ाने के यानी टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड से, यानी कि पढ़ाने के तरीके से। देखिए, जो हमारा NCF 2005 है वो भी हमें यही बताता है, और साथ ही साथ में हमारा जो एक कहते हैं कि IQ लेवल होता है वो भी हमें यही बताता है कि जब हम बच्चे को स्कूल में बुक से पढ़ाते हैं, यानी कि जो बुक में कंटेंट दिए हुए हैं, जो बुक में मैटर दिए हुए हैं, हम उनसे पढ़ाते हैं तो बच्चों की समझ में उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन यहीं पे यदि हम उस कंटेंट को बुक से हटा के किसी एनवायरनमेंट से या किसी चीज़ को एग्जांपल देके पढ़ाते हैं तो बच्चों के समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। समझ गए ना? जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की, एक्टिविटी की। वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये एक्टिविटी, जो मेथड आपका होता है, यानी जिसको हम गतिविधि मेथड बोलते हैं, गतिशील मेथड बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों को बुक के माध्यम से ना पढ़ा के बल्कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे के पढ़ाया जाए। सपोज दैट यहाँ पे हम स्कूल जाते हैं, और अब मान लीजिए कि आप साइंस के टीचर हैं, और ख़ास तौर पे यदि आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों की जो एज होती है बहुत छोटी होती है, यानी उनको समझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं और आप मैथ पढ़ा रहे हैं, या आप साइंस के टीचर हैं, या फिर आप SST के टीचर हैं, आप SST पढ़ा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड के पास खड़े हो गए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बुक आपके हाथ में है, आई थिंक बच्चों के समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही काम यदि आप थोड़ा सा अपने क्लास से बाहर निकल के करिए, कि आपके जो स्कूल में पेड़ पौधे, यदि आप मान लीजिए इन्वायरमेंट में पौधों के बारे में बता रहे हैं, साइंस आप पढ़ा रहे हैं और आप प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप इन्वायरमेंट का पढ़ा रहे हैं तो आप अपने क्लास से बाहर निकल के जो आपके स्कूल के गार्डन में पौधे लगे हैं वहाँ पर जाके पढ़ाएँ, उनके बारे में, पर्यावरण के बारे में बताएँ, बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट? यदि आप साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस में आप प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप इतना बाहर जाके पढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो आप एक प्लांट को ही वहाँ पे ला लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में गमले मौजूद होते हैं, सभी स्कूलों में होते हैं, तो आप एक पॉट ही मंगवा लीजिए, वहाँ पे रखिए, और देन इसके बाद आप पॉट को एग्जाम्पल दे के पढ़ाना शुरू करिए, और यहाँ पे बच्चों को वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब आप कहेंगे मैथ को हम कैसे पढ़ाएंगे? जी हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि आप मैथ पढ़ा रहे हैं और मान लीजिए मैथ में आप ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो बुक के अलावा बाहरी दुनिया से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे बच्चों को प्लस माइनस, वो जो बच्चे प्लस माइनस फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप उनको पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे बुक का यूज कर सकते हैं, आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप कॉपी का यूज कर सकते हैं, बच्चों से आप कॉपी ले लीजिए और देन उसके बाद
हमारी, आप पेंसिल ले लीजिए सभी बच्चों से, वन वन पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए और इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से आप उनको पढ़ाइए। यदि आप प्लस पढ़ा रहे हैं तो आपने एट पेंसिल ले ली और आपने कहा कि एट में यदि टू पेंसिल हमारे पास एक्स्ट्रा है, इनको हमने ऐड कर दिया तो कितनी हो गई। फिर आप एट पेंसिल दिखाइए और इसके बाद उनसे बोलिए बच्चों से कि एट के आगे टू, यानी वन एक पेंसिल आपने दिखाया तो कितनी हुई, बच्चे बोलेंगे नाइन। आपने सेकंड पेंसिल रखी तो बच्चे बोलेंगे टेन। तो एट में हमने टू ऐड किया तो कितना हुआ, टेन। ये जो रियल चीज़ें होती हैं, जो ये आप लाइफ से बच्चों को जोड़ते हैं, जब आप क्लास में मौजूद किसी चीज़ को लेकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चों के माइंड में इफेक्ट ज़्यादा डालता है। यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 में भी यही कहा गया और सरकार भी अब इसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही है कि जो बच्चों को है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्टिविटी यानी कि रचनात्मक तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। और ख़ास तौर पे यदि आप SST पढ़ा रहे हैं तो उनको भ्रमण जो कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जनरली हम बच्चों को लेकर जाते हैं पिकनिक पे लेके जाते हैं, तो आप वहाँ पे लेके जाइए, कोई एक पार्क आपके पास है आप वहाँ के वहाँ पे लेके जाइए, फॉरेस्ट है वहाँ पे लेके जाइए, दिन वहाँ पे जाके आप पढ़ाइए, बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जब आप क्लास में बुक को साइड में रख देते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो सबसे पहला मेथड होता है कि आपको क्या पढ़ाना है ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए और घर में आप उस चीज़ को पढ़िए, स्कूल में आने के बाद बच्चों को बोलिए कि आज इस लेसन को हम पढ़ाएंगे। और बच्चों को जरूर एक दिन पहले आप बताइए कि आपको ये लेसन जो है घर से एक बार रिवाइज करके आना, पढ़ के आना है। फिर आप आए दूसरे दिन स्कूल और आपने बुक निकलवाई और आपने बुक ली और आपने बुक साइड में कर दिया और बच्चों को कहा कि आप भी बुक साइड में रख दीजिए और जो हम बता रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप वो पढ़िए। बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ेगा और 100% आप बच्चों के चहेते बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों को बुक की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज, अपनी भाषा की जो लैंग्वेज है, जो आप अपनी भाषा से समझाएंगे, जो आप अपनी समझ से समझाएंगे, जब आप एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे कि आप साइंस में आप प्लांट को ले रहे हैं, मैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप पेंसिल को ले रहे हैं, उस कमरे को स्क्वायर की बात चल रही है, ट्रायंगल की बात चल रही, तो वहां पे जो सामान रखे हुए आप उनका यूज कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज को समझते हैं और पढ़ते हैं और 100% आप उनके फेवरेट बन ही जाएंगे। फेवरेट बनने के लिए एक और चीज जरूरी है इसके साथ में, आपका नेचर। आप कितना भी बाहरी एग्जाम्पल को जोड़ लीजिए, आप एक्टिविटी कर लीजिए, आप कहेंगे कि मैम मैं तो ऐसा करता हूँ लेकिन या करती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखिए आपका नेचर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाते वक्त आपको बिल्कुल पोलाइटली को पढ़ाना होगा, बिल्कुल क्यूट लैंग्वेज में पढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ डांट और दपट जो है वो जरूरी है। आप स्ट्रिक्ट बनिए लेकिन सॉफ्ट स्ट्रिक्ट बनिए, यानी बच्चों को डांट लेकिन डांटने के साथ में आप उनको रीजंस भी बताइए कि आप उन्हें क्यों डांट रहे हैं, है ना, उसके क्या क्या जो है डांटने की क्या, आपके बच्चों के क्या क्या लॉसेस हैं, क्या लॉस हो सकता है यदि वो एक्टिविटी करते हैं, और यदि आप डांट रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट उनको मिल सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप समझा के पढ़ाएंगे, अपने नेचर को थोड़ा आप चेंज करेंगे और देन उसके बाद जो हमने आपको बताया है एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी से यदि आप पढ़ाते हैं तो 100% बच्चे जो है आपको अपना फेवरेट मानने लगेंगे। और बच्चे यही चाहते हैं कि जनरली टीचर क्या करते हैं कि स्कूल में आते हैं और बुक उठाया और उसमें जो लिखा वो पढ़ा दिया, या फिर बोर्ड में लिखना शुरू कर देते हैं और अब स्टूडेंट से बोल देते हैं कि चलो आप भी अब फॉलो करो, आप भी लिखो, तो वो रूटीन बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि जनरली वो सभी टीचर जो हैं यही रूटीन अपनाते हैं। तो आपको अपनी क्लास में इस रूटीन को चेंज करना है, बोर्ड का यूज करना है तो बोर्ड का यूज आप करिए, एग्जाम्पल के तौर पर करिए कि बोर्ड पर ही कोई आप प्लांट बना दीजिए और देन उसके बाद एक एक चीज़ को आप डिफाइन करिए और समझाइए और फिर देखिए बच्चों से पूछिए कि आप बताइए किसका मेथड ज़्यादा अच्छा है पढ़ाने का। 100% बच्चे आपको ही बोलेंगे कि मैम या सर आपका मेथड बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं प्लांट को जो बोर्ड पे बना हुआ है और उन्हें ओरिजिनल लगेगा और आप उसके एक एक पार्ट्स को बता रहे हैं, है ना। बहुत आसान सा तरीका, दो टिप्स आपको लेनी है। एक आपको सबसे फर्स्ट टिप्स जो है वो है आपका नेचर, आपको अपने नेचर को चेंज करना होगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़े से कहना चाहिए कि गुस्से में रहते हैं ऑलवेज, या किसी बात को उनको बोलने का तरीका ही होता है गुस्से वाला लगता है, होता नहीं उनका तरीका ही है, वो गुस्से में नहीं है लेकिन उनका तरीका ऐसा है और हमें लगता है कि वो बंदा सामने वाला गुस्से में बोल रहा है। तो अगर आपका नेचर ऐसा स्कूल में है तो आप इसे अभी तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे
बच्चों से आप जितनी सॉफ्टली जितनी अच्छे तरीके से बात करेंगे, बच्चे उतना ही आपको भी अच्छा रिस्पांस देंगे। तो एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी को आप जरूर जोड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप स्कूल जाएँ तो इस बार हमारी इस बात को जरूर आजमाएं कि आपको ये एग्जाम्पल देके उस चीज़ को समझाएं और फिर बच्चों से पूछें कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और न्यू टिप्स के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।